यूपी में तो हर जगह मारपीट हो रही है, बवाल हो रहा है, हत्या है, छिनैती है, पार्कों पर या सड़क पर, मंदिर हैं, लूट के साथ ट्रैफिक की अराजकता भी भीषण है। सरकारी बुलडोजरों की फौज तो पूरे के पूरे मोहल्ले तक को नेस्तनाबूद करने के अभियान में जुटी है। असुरक्षा तो लखनऊ और दूरस्थ दूसरे जिलों तक भी है। लेकिन यूपी में तो एक महिला राज्य मंत्री के साथ ही जबरदस्त मारपीट हो गई। तमाचे चले, घूसम घूसा, फैटबाजी, झूठा नचौवर और जूता जूतम पैजार हो गया। गालियां और निपट लेने की धमकियां भी बेशुमार दी गईं। पुलिस को तो इस घरेलू राजनीतिक जूतम लात लात जूता मारने की खबर है, लेकिन पूर्वांचल की पुलिस अपने आकाओं की बिगड़ने वाली इज्जत के मामलों को दबाने छुपाने में खासी महारत रखती है। इसलिए अब सारे पुलिस वाले और उनके अफसर बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं। बताते हैं कि यह मामला है देवरिया का। यहाँ की एक नेता है विजय लक्ष्मी गौतम। सरकारी कागजातों में उन्होंने लिखा है विजय, विजय नहीं विजय। यूपी सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं विजय लक्ष्मी गौतम जी। समाज शास्त्र में एमए किया है। लगातार 2 बार पार्टी बदलकर सलेमपुर विधानसभा सीट का चुनाव हारी हैं, लेकिन तीसरी बार भाजपा की कृपा से विधायक बन गई और फिर जाहिर सी बात है कि राज्य मंत्री बन गई हैं। ग्रामीण विकास का जिम्मा दिया गया है। लोगों की जमीन पर कब्जा करने का आरोप भी उन पर गहरा पड़ चुका है। विजय लक्ष्मी गौतम का घर दरअसल देवरिया सदर के कोतवाली क्षेत्र में हनुमान मंदिर के पीछे, उसमें एक भूखंड खाली है लेकिन उस पर मंत्री जी का कब्जा है। मामला कोर्ट में है लेकिन उन्होंने उस जमीन पर कब्जा कर उस पर पिलर लगा दिए, कम्बा गाड़ दिया है। विजय लक्ष्मी गौतम का दावा है कि इस जमीन पर वो बचपन से भी खूब खेली है, जबकि वादी महिला का कहना है कि उस जमीन पर उसकी रजिस्ट्री है, बाकायदा कागज है उसके, लेकिन मंत्री उस जमीन पर काबिज हैं। जबर जबरिया वह शिकायत करने थाने पर जाती है तो फिर कई बार उनको घंटों घंटों तक पुलिस थाने पर भी बिठाए रखती है। जब तक मंत्री जी का कब्जा पूरा न हो जाए उसे हटाया नहीं जाता है। बताते हैं कि मंत्री की हैसियत करीब 1 करोड़ से ऊपर हो सकता है, 1.5 करोड़, जो लगातार सुस्ता की तरफ बढ़ती ही जा रही बता दी जाती है। और हैरत की बात है कि सरकारी सस्ता अनाज की कोटे वाली दुकान भी उनके नाम पर है। कई और भी मामले हैं इन मंत्री जी के ऊपर। इस मंत्री जी की ख्याति पूरे इलाके में है और बाकायदा जबरदस्त है। लेकिन बीती रात हंगामा तो हो गया जब उनके घर में ही एक जमकर मारपीट हो गई। यह मारपीट उनके घर वालों के बीच बताई जाती है हिंसा, घरेलू हिंसा। इस झगड़े में एक महिला को भी चोट आई है। बताते हैं कि यह महिला खुद विजय लक्ष्मी गौतम जी हैं। जानकार बताते हैं कि इस हादसे में चोटिल हुई महिला कोई और नहीं बल्कि खुद विजय लक्ष्मी गौतम ही हैं। लेकिन यह घटना तो घर वालों ने पूरी तरह छिपा लिया, दबा लिया। लेकिन उस कलमुहे बैरी से सी डीवी का क्या करें जिसने पूरा हादसा ही वस्त्रहीन कर दिया। शुरुआत तो की मंत्री जी के इनके खुद के ही अपने बेटे ने। कमाल यह है कि इस बेटे ने अपने मित्र की मदद से उस घटना की सीसीटीवी फुटेज निकाल ली और उसकी फोटो लेकर उसे फेसबुक पर लगा दिया, सवाल उठा दिया कि क्या यह काम नियमानुसार हुआ है या नहीं। लेकिन अचानक ही इस बेटे के होशा हवास वापस आ गए, गुस्सा थम गया और उसने पोस्ट लगाने के 10 मिनट बाद ही वह पोस्ट डिलीट कर दी। लेकिन इतने में ही तो जो पोशीदा चीजें थी वह सब नंग धड़ंग हो गई। पूरा घर तो खुला फरोखाबाद हो गया। कमाल तो इस मंत्री जी के इस बेटे के दोस्त ने किया और पहले ही कर दिया। सूत्र बताते हैं कि उसके दोस्त ने सीसीटीवी के फुटेज अपने एक मित्र को दे दिया, उस मित्र ने अपने मित्र को दे दिया और फिर उसके मित्रों ने उसके अपने मित्रों को दे दिया और फिर मित्रों के बाद फिर मित्र और चीचा लेदर हो गई। नतीजा यह हुआ कि देखते देखते यह मामला बाजार में धधकने लगा। गनीमत थी कि रात 10:15 बजे की इस घटना जब सरेआम होने लगी तब तक देवरिया के बाजार खात्मे पर चले जा चुके थे। राज्य मंत्री के पति देवरिया के ही सलेमपुर में बैंक कर्मचारी हैं। यह घटना किस मसले पर भड़की इस बारे का पता नहीं चल पाया है, लेकिन अनुमान लगाया जाता रहा है कि यह पैसे को लेन देन का मसला था। सूत्र बताते हैं कि कुछ समय पहले ही विजय लक्ष्मी गौतम ने अपने एक पीआरओ को हटा दिया था और फिर पुराने वाले पीआरओ का काम धाम विजय लक्ष्मी गौतम के दोनों बेटे खुद ही संभालने लगे थे।
सहमत मंत्री जी की थी, लेकिन इसके बीच गहरा तनाव भी बनना शुरू हो गया जैसा बताते हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि इस मारपीट में उनके पति की भूमिका क्या थी या विवाद कैसे शांत हो पाए, ये भी पता नहीं चल पा रहा है। वैसे बताते हैं कि देवरिया के ही सभी भाजपाई विधायकों ने एक सिंडिकेट बनाकर ठेकेदारों पर जबरदस्त दबाव बना रखा है कि वे प्रचलित रिश्वत की दर को बढ़ाकर ही अपने काम को सर्टिफाई कर देंगे। ठेकेदारों के एक संगठन के अध्यक्ष ने तो दुरती चैनल के सामने यह सरेआम ऐलान कर दिया था कि देवरिया के भाजपाई विधायक ठेके पट्टे पर खुलेआम रिश्वत वसूलते हैं और तुरैया की उनकी मांग प्रदेश के बाकी जिलों से कहीं ज्यादा है और अक्सर तो ऐसी मांग पूरी करने में ठेकेदार असमर्थ हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होने पर ठेकेदार की छीछा लेदर कर दी जाती है। इस घटना की वास्तविकता क्या है, इसको जानने के लिए हमने विजय लक्ष्मी गौतम के यहाँ फोन किया, उनके निजी फोन पर, लेकिन उनका फोन उठ नहीं पाया। कई बार कोशिश के बावजूद फोन नहीं उठाया। लेकिन इस मामले में दुरत्ती ने देवरिया के पुलिस क्षेत्राधिकारी संजय कुमार से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र सलेमपुर है, जबकि वे देवरिया सदर के सीओ हैं। उनका कहना था कि इस मामले में सलेमपुर के सीओ से ही बात की जानी चाहिए। साफ बात है कि संजय कुमार रेड्डी इस मामले पर राख डालने, मामला दबाने और अपना पल्ला झाड़ने की साफ कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके राजनीतिक आका उनसे संतुष्ट रहे। यह बात उनके घर से बाहर निकलकर खबर न बन पाए, क्योंकि यह घटना देवरिया सदर की है, खास मोहल्ले में। राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी के घर यहीं पर था, न कि सलेमपुर में, जबकि देवरिया के कोतवाली प्रभारी तो साफ मुकर गए हैं कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं है। कहने की जरूरत नहीं है कि नाम बदलने से हमेशा अर्थ का अनर्थ हो ही जाता है। देवरिया का असली नाम देवारण्य हुआ करता था, जिसे कलयुग में देवरिया बना दिया गया, लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ अरण्य यानी वन क्षेत्र की हालत जंगल की जैसी हो गई है, जहाँ कानून व्यवस्था भी जंगल के कानून की तरह होता है। ये विजय लक्ष्मी गौतम जी के घर हुई ये घटना और उस पर पुलिस वालों का ये नजरिया और उनकी कार्रवाई का ना होना और इस पूरे मामले पर पुलिस का पल्लू झाड़ना ये साबित करता है। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किन्हीं दूसरे स्थान पर और किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती लेके कुमार सोहेल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।